ही राम। बाबा गौरी जी गए? खरं तर हा प्रश्न मी तुला विचारला होता, तुला माहिती पाहिजे गौरी कुठे आहे ते। नाही बाबा हमें नाही पता, काय हो? मी बाहेर गेलो तो तेवढेच तुझ्या घरी गेली ती। मी आम्हाला सांगून ठेवलं फोन करून की आली तर परत पाठवा म्हणून, अजून कशी आली नाही ही। भैया चलो गौरी जी घर पे गई है, चलिए ये ले हेलमेट हेलमेट। ये मुंबई से जो सावंत साहब है यही ठहरे हुए हैं जी? ये सूटकेस उनके कमरे में पहुंचा था, कहना कि शुक्रवार शुक्ल ने भेजा है। ठीक है हाँ, पर हेलो सर, सर सूटकेस आपका है। मेरा? हाँ शिव कुमार शुक्ल जी आपके लिए रख कर गए। अरे मतलब गौरीला शोधायला आलाय, तिची बॅग द्यायला आलाय। समाधान भेटला का तुला? तो नाहीच भेटणार। आला होता इथे, आला होता तो। बॅग बघ काय म्हणाला तो। माझ्याशी बोलायची हिम्मत झाली म्हणून बॅग इथे ठेवून गेला रिसेप्शन मध्ये। आता लक्षात आलं, आता संपलंय सगळं। अरे सरला, अरे तुमने शाम की चाय? सरला, अरे ओ सरला। हाँ क्या बड़बड़ा रही हो तुम? क्या हो गया तुम्हें? ऐसी घबराई हुई क्यों लग रही हो? आप हमारी छोड़ी अपनी बताइए अम्मा जी, आप तो बड़ी खतरनाक निकली। आपने तो गौरी का पता ही साफ कर दिया। क्या बकवास कर रही हो तुम? नहीं बकवास कहाँ कर रहे हैं, जो देखा वही बता रहे हैं। अच्छा तो सरला जो तुमने देखा वो तुम्हारी समझ में आया कि हमने ऐसा क्यों किया? नहीं सरला, हमने जो कुछ भी किया ना इस घर के मान सम्मान के लिए किया, समझी तुम? जिस पर गौरी के बाबा कीचड़ उछाल के गए, अब तुम बताओ गौरी के बाबा को ऐसा करना चाहिए था क्या? नहीं। अब देखो तुम जैसी बेवकूफ लड़की भी इस बात को समझती है, लेकिन उनकी समझ में ये बात नहीं आई कि गौरी को इस तरीके से ले जाकर उन्होंने हमारा और हमारे परिवार का अपमान किया है। बहुत बड़ी गलती की उन्होंने, और इसी गलती का एहसास दिलाने के लिए हमने आज गौरी को जाने दिया। अरे हम भी तो देखें कितने दिन अपनी ब्याहता बेटी को अपने घर में रखते हैं,
आसान नहीं है। मुंबई हो या बनारस, ब्याहता बेटी एक बार वापस घर आ जाए ना तो लोग जीना मुहाल कर देते। हाँ सही कहा आपने अम्मा जी, हम चाय देख के आते हैं। हाँ रुको, एक बात बताओ सरला, तुम ऐसे छुप छुप के हमें देखती हो, चोरी चोरी हमारी बातें सुनती हो, हम कहाँ जा रहे हैं क्या कर रहे हैं, शर्म नहीं आती तुमको? आती है ना अम्मा जी, पर क्या करे रहा नहीं जाता, वो क्या ना हम आपकी पूछ नहीं मतलब परछाई है ना, तो आदत हो गई है इसलिए। तो बदल दो अपनी आदत, आइंदा ऐसी हरकत की ना तुमने सरला तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? समझ गए अम्मा जी, अम्मा जी बिल्कुल समझ गए, अब से ना ऐसी कोई गलती नहीं होगी अम्मा जी, सच्ची मम्मी जी की कसम। पर अम्मा जी आपने गौरी को जैसी सजा दी है ना वैसी हमें कोई सजा मत दीजिएगा प्लीज अम्मा जी, हमें अपने राम जी से दूर मत कीजिएगा। वो ना क्या है अभी अभी ना उन्होंने हमारी तरफ देखना शुरू किया, हमारी केयर करते हैं और धीरे धीरे ना अम्मा जी वो हमसे प्यार जताना भी शुरू कर देंगे। पर अम्मा जी आपके ऐसा करने से ना हम उनसे दूर हो जाएंगे और हम उनसे दूर रह नहीं पाएंगे अम्मा जी, प्लीज ऐसा मत कीजिए प्लीज। बस जो देखा ना सरला तुमने उसे भूल जाओ, और गलती से भी मुन्ना के सामने अपना मुंह खोला ना तो हम। अम्मा 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 मुन्ना, हाँ बेटा क्या हुआ क्या हुआ? गौरी जी आई थी यहाँ पे? नहीं मैं पता चला है कि वो यहाँ आई है। हाँ मतलब गौरी आई थी बेटा। आई थी मतलब अभी गए? यहाँ से चली गई। नहीं बेटा हमने उसे बहुत मनाने की कोशिश की। हाँ हमने उसे कहा भी कि बेटा अब आई हो तो रुक जाओ, लेकिन हमसे कहने लगी कि उसके बाबा का यहाँ बहुत अपमान हुआ है और जब तक हम लोग उसके बाबा से माफी नहीं मांग लेते वो यहाँ नहीं रहेगी। माफ कीजिएगा अम्मा, लेकिन यकीन नहीं हो रहा कि गौरी ने ऐसा कहा। राम ये तुम क्या कह रहे हो बेटा, तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम्हारी अम्मा झूठ बोल रही है, तुम्हें अपनी अम्मा पे विश्वास नहीं है? नहीं अम्मा, लेकिन अगर उसे यहाँ रहना नहीं था वो आई क्यों यहाँ पर? अपने कपड़े गहने लेने आई थी बेटा। हाँ मुन्ना बेटा तुम्हें हमारी बात पे यकीन नहीं है ना, तो जाओ अपने कमरे में जाके अलमारी और सब देख लो, वो सब कपड़े गहने लेकर चली गई। बेटा हमने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि गौरी हमारे साथ ऐसा करेगी, लेकिन हम क्या कह रहे हैं बेटा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी समय है, तुम कहोगे ना तो तुम्हारे बाबूजी और हम गौरी के बाबा से माफी मांग लेंगे बेटा। हाँ मुन्ना हम सही कह रहे हैं, हम गौरी को वापस ले आएंगे बेटा, तुम चलो हमारे साथ। नहीं मुन्ना हमारी बात। खबरदार किसी ने गौरी के बाबा से माफी मांगने की हिम्मत की तो। अरे इतना कीचड़ उछाल कर गए हैं हम पे, हैं? अपमान की कालिक पोत गए हैं हम पे, हैं? और तुम कह रही हो कि तुम माफी मांगोगी उनसे? अरे माफी तो अब वो मांगेंगे हमसे जो हमारे घर में आके हमारे ही सामने से हमारी बहू को ले गए। अरे ऐसा कौन सा जुल्म कर रहे थे हम उनकी बेटी पे, बोलो। माता जी आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। और आप कमरे से बाहर क्यों आई? हाँ डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है ना, चलिए चलिए हम आपको कमरे में ले चलते हैं, चलिए माता जी आराम से। भोलेनाथ Thank you.
शेफ। शिव सुनो, पागल हो गए हो क्या? ऐसा करने से समस्या हल नहीं हो जाएगी, बल्कि तुम्हें चोट लग जाएगी। तो चोट लगने दो ना। वैसे भी किसी को क्या फर्क पड़ता है हमसे? हमें फर्क पड़ता है शिव। समस्या तुम्हारे सामने है तो इससे जूझो, कोई ना कोई समाधान निकल जाएगा। कोई समाधान नहीं निकलेगा भैया, कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही हमें। सही बताया तो इतने हेल्पलेस हम जिंदगी में कभी नहीं हुए। गौरी जी हमारी ताकत थी, हमें इतना लाचार कैसे बना सकती हूँ? कशाला त्रास करून घेते स्वतःला? तो तुझ्या योग्यतेचा नव्हताच। प्लीज असं नका ना म्हणू, शेव तसा नाही आहे, तो असं वागू शकत नाही, मला एकदा बोलू दे त्याच्याशी। तरी तुला त्रास होणार आहे, लक्षात? प्लीज बाबा, माझ्यासाठी। बेकार कोशिश कर रही हो गौरी, बहुत देर हो गई है। जब तक तुम्हारे बाबा हमसे माफी नहीं मांगते ना, इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद रहेंगे। अरे सरला, हाँ? ये पता नहीं हम अपना चश्मा रख के कहाँ भूल गए हैं। हाँ, अभी लेके आते। अरे नहीं नहीं, तुम जरा पढ़ के बताओ क्या लिखा है। पढ़ो पढ़ो। हाय अम्मा जी, ये तो शिव भैया का फोन है। हाँ तो हम क्या कह रहे हैं, जो लिखा है वो पढ़ो पढ़ो। गौरी का मैसेज है, लिखा है कि जाने से पहले मिलना चाहती हूँ, प्लीज मिल लो वरना चैन से जी नहीं पाऊंगी। मिटा उसे, डिलीट करो डिलीट करो। पर अम्मा जी ये तो क्या कह रहे हैं, डिलीट करो मिटाओ। हाँ हाँ, लिखो जवाब, लिखो लिखो जवाब, लिखो। तुम्हारे जीने मरने से हमें कोई मतलब नहीं है। नहीं नहीं नहीं, मिटाओ उसे मिटाओ। जी दोबारा जवाब लिखो, दूसरा जवाब लिखो। लिखो, अब सब खत्म हो गया है, अब मिलने से क्या फायदा,
तुम अपने बाबा के साथ मुंबई जाओ और हमें भूल जाओ। लिखा? हाँ। अब भेज दो। गया? जी, चला गया। अब वो जो भेजा था ना, उसको मिटाओ, डिलीट करो, डिलीट करो। अब सब खत्म हो गया है, अब मिलने से क्या फायदा? आप अपने बाबा के साथ मुंबई जाओ और हमें भूल जाओ। या पुढे आगरात राहायचं नाही, मुंबई निघायचं। मी जरा बघून येतो। शिव, तू इतका कसा बदललास? हम नहीं बदले भैया, गौरी जी के इस बर्ताव से मायूस जरूर है। गौरी जी ऐसा कैसे कर सकती है हमारे साथ, जब वो जानती है कि शिव गौरी के बिना अधूरा है। देखो मुन्ना, कई बार देखी दिखाई बातों से भी आंखों को भ्रम पैदा होता है, आंखें धोखा खा जाते हैं, फिर ये तो सुनी सुनाई बातें। इन बातों पर कैसे भरोसा कर सकते हो तुम? कहना क्या चाहते हो? हम ये कहना चाहते हैं कि इन सुनी सुनाई बातों पर भरोसा मत करो, गौरी से आमने सामने बैठकर बात करो। कैसे बात करें भैया? फोन करो उसे। देखो, तुम एक बार गौरी से बात करोगे तो बात आईने की तरह साफ हो जाएगी। हमारा फोन शायद कमरे में रह गया। मुन्ना, तुम आ गए? वो हम तुम्हारा कमरा समेट रहे थे बेटा। मुन्ना, किसे फोन कर रहे हो? गौरी जी को। लेकिन क्यों मुन्ना, अभी भी कुछ बाकी है क्या? कुछ बाकी नहीं है अम्मा, पर हम गौरी जी के मुंह से सच्चाई सुनना चाहते हैं। वाराणसी स्टेशन जाओगे? पक्का? फोन काट दिया हमारा। बेटा, हम तुम्हारी मन की हालत समझते मुन्ना, लेकिन क्या कर सकते हैं तुम्हें बताओ। गौरी के बाबा तो ना सुनने के लिए तैयार हैं, ना कोई बात समझने के लिए तैयार है, हैं? जानते हैं, कोई नहीं समझा सकता उन्हें। हमें तो लगता है फोन भी वही काट रहे हैं, इसीलिए हम खुद जा रहे हैं गौरी जी के पास, फेस टू फेस बात करने के लिए। लेकिन क्यों? अरे मुन्ना सुनो तो, मुन्ना, ये गौरी कब हमारे मुन्ना का पीछा छोड़ेगी? बिल तैयार है ना? जी, ये रहा आपका बिल। Excuse me, sir. आपको किससे मिलना है? मधुसूदन सावंत साहब से मिलना है। वो तो चले गए, आज शाम को 5:30 बजे की ट्रेन थी उनकी।